गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस नोकिया लेके आने वाला एक स्मार्टफोन इंडिया के अंदर अपना काफी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला, कहने को स्मार्टफोन होने वाला है जो कि नोकिया की तरफ से होगा। भैया कि नोकिया कह रहा है कि काफी अच्छा स्मार्टफोन है और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो गाइस इस वीडियो के अंदर सभी की सभी डिटेल्स आपको बताऊंगा। सो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कैमरा मॉडल से। यस गाइस हमें यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक की तरफ देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल प्लस 5 प्लस 2, एंड कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा है, डिसेंट सा हमें यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी हमें डिसेंट सा ही देखने को मिला है, कोलकॉम स्नैपड्रैगन 695। यस गाइस नोकिया G60 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कोलकॉम स्नैपड्रैगन 695 और ये स्मार्टफोन कंफर्म हो चुका है इंडिया के अंदर लॉन्चिंग के लिए। डिस्प्ले की बात करें तो गाइस स्मार्टफोन के अंदर में 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले और 120 GHz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। एंड गाइस यहां पे 4500 mAh की बैटरी है, 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर हमें देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है और गाइस यहां पे हमें क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। सो गाइस ओवरऑल बात करूं तो स्पेक्स काफी ज्यादा बेकार है और उससे भी ज्यादा बेकार चीज की बात करूं तो यहां पे गाइस वो आता है प्राइसिंग। यस गाइस 6+128 GB रैम वेरिएंट यहां पे एक वेरिएंट होने वाला है जो कि एक ही वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा जिसका प्राइस रेंज यहां पे 30,000 रुपए होने वाला है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नोकिया ने क्या सोच के स्मार्टफोन को बनाया, क्या सोच के ये स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर है जो नोकिया लेके आने वाला है 30,000 रुपए के अंदर नोकिया G60 जो कि बिल्कुल ही घटिया और जमा ही बेकार स्पेक्स के साथ आने वाला है। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, एंड नोकिया को ये स्मार्टफोन लेके आना चाहिए या फिर नहीं। और लेटेस्ट ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।